तो इलोन मस्क की स्टोरी सबसे छोटे स्टाइल में बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ट्विटर पे सबसे ज़्यादा एक्टिव, उसके बाद 100 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स, उसके बाद ये एक्सप्रेस करना कि भैया ये ट्विटर को चलाने वाली मैनेजमेंट बेकार है, उसके बाद ऑफ़र दे देना कि भैया ख़रीद डालूंगा इस कंपनी को, लेकिन उसके बाद पीछे हट जाना ऑफ़र से, फिर ऑफ़र से पीछे हटने के बाद लीगल केस में, लीगल बैटल के अंदर पता लगे कि भैया फंस जाऊँगा, मामला टाइट हो जाएगा, टकरा जाऊँगा मैं, दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वापस अपनी बात को लेना और ट्विटर को खरीद डालना, उसके बाद ट्विटर की आधी वर्कफोर्स को निकाल डालना, उसके बाद बाकी वर्कफोर्स का एक रिवोल्ट आना, जब ट्विटर ने ये सुन लिया कि भाई इलोन मस्क तो बोल रहा है गो हार्ड कोर और गो होम, यानी कि अपने आप को मेरी तरफ पेलो वरना निकलो, और उसके बाद पूरे बैज एक्सेस बंद कर देना, किसी भी एम्प्लॉय को एंट्री ना देना, और बोलना कि भाई जिसको कोड लिखना आता ना जरा आ जाओ मेरे से मिल लो, बात करनी है तुमसे फेस टू फेस। तो यानी कि इलोन मस्क ने इस टाइम पर अपना वो क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहता ट्विटर को, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ना ट्विटर को या तो दिस वे और दैट वे कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर ट्विटर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जिससे अगर वो विनर हो गया ना तो हो सकता है इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए, जो ये कि भैया ट्विटर जो है ना, जितनी भी और सोशल मीडिया कंपनीज है ना, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, और चाहे टिकटॉक भी हो, सबकी बैंड बजाने वाला, मुझे तो बड़ा स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क जहाँ खुशता है ना वहाँ पे पेड़ डालता, और जिस तरीके से इसने किया है ना भैया, मतलब मैच नहीं है इसका, तो ज़करबर्ग की तो नींद उड़ी हुई होगी, पक्की बात है, पेल रखा है इसने, देखते हैं आगे क्या स्टोरी जाती है, कहाँ पे जाती है। चलिए, टेक केयर।